कौमी इंसाफ मोर्चा चंडीगढ़ की गूंज हुण वाइट हाउस अमेरिका तक पहुँच चुकी है। एतवार वाले दिन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी विच अमरीकी प्रेजिडेंट के टिकाने वाइट हाउस अगे अमरीकी सिखा ने पंजाब विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और बंदी सिंघां की रिहाई संबंधी चल रहे कौमी इंसाफ मोर्चे के हक विच जोरदार प्रचार और रोस मुजहरा किया। दसण योग है कि वड्डी गिणती विच दुनिया भर के सैलानी वाशिंगटन डीसी सैर सपाटे लिए आउंदे हन ते एतवार का दिन होण करके वाइट हाउस अगे वड्डी गिणती विच लोग हाजिर सन जिन्हां नूं बंदी सिंघां संबंधी विस्तार नाल जानकारी अते पंजाब ते भारत विच सिख कौम नाल हो रही नाइंसाफी प्रति घंटेबंदी पैफलैंड वंडे गए अते जानकारी दित्ती गई। मुजहरे विच बंदी सिंघां दे वड आकारी पोस्टर भी लगाए हुए सन। उत्थे मौजूद सैलानियां अते होर लोकां ने बंदी सिंघां दे पोस्टरां दीआं फोटोआं खिंचीआं अते उत्सुकता नाल सारी जानकारी हासिल कीती। विदेशी लोग दंग रह गए कि अपने आप नूं डेमोक्रेसी कहाउण वाले भारत विच सिखां नाल इन्ने लंबे समें तों धक्का हो रिहा है अते उम्र कैद की सज़ा पूरी होण तों बाद जिथे होर सारे कैदियों नूं छड्ड दिता जांदा है उत्थे ही सिख सियासी कैदियों नूं गैर कानूनी ढंग नाल दूजे दर्जे दे शहरी समझ के सज़ा पूरी होण तों बाद भी जेलां विच डक्किया होया है। यूक्रेन दे लोक भी उत्थे रूस दे खिलाफ मुजहरा कर रहे सन अते उन्हां ने भी सिख सियासी कैदियों ते इंसाफ मोर्चे दे हक विच मुजहरा कर रहे सिखां दा साथ दिता अते सिखां ने भी रूस खिलाफ यूक्रेन दे लोकां दे हक विच हा दा नारा मारिया क्योंकि श्री दरबार साहिब ते हमले समय रूस ने भारत दी सरकार दा साथ दिता सी। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा वालों दिए गए संदेश के तहत जिथे 7 जनवरी तो कौमी इंसाफ मोर्चा शुरू होया तो दुनिया भर के सिखा भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी के इंसाफ बैबल कलां बरगाड़ी के इंसाफ और बंदी सिंह की रिहाई के इंसाफ लिए दुनिया भर के सिखा अपना बनता हर योगदान पाने के संदेश मुख रखद यह मुजहरा किया गया। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के कोआर्डीनेटर हिम्मत सिंह ने कहा कि यह संघर्ष उदों तक जारी रहेगा जदों तक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का इंसाफ बैबल कलां बरगाड़ी के दोषियों खिलाफ कार्रवाई और सारे बंदी सिंघां की रिहाई नहीं हो जाती तो यह मुहिम आने वाले दिनों में दुनिया भर में होर भी तेज़ होगी। इस मुजहरे में होर सिख संगतों तो इलावा भाई हिम्मत सिंह गुरनिंदर सिंह धालीवाल बलविंदर सिंह चट्ठा नरिंदर सिंह हरमिंदर सिंह बलजीत सिंह अमरजीत सिंह चट्ठा उधम सिंह आदि हाजिर सन। अज वाशिंगटन डीसी वाइट हाउस के अगे खड़े हाँ अमेरिका के साध संगत जी। अज साडा इत्थे खड़न का मकसद हैगा जो साडे बंदी सिंह आ सिख सियासी कैदी जिहड़े कि भारत दीआं जेलां दे विच बहुत लंबिया समिआं तों बंदे आ किसे वीर दी साडे दी 26 साल किसे दी 27 साल किसे दी 25 साल किसे दी 24 साल दी जिहड़ी सज़ा हो चुकी आ भारतीय कानून तहत सजावां पूरियां कर चुके सिंघां वास्ते अज बाइडन दे जिहड़ा वाइट हाउस जिहड़ा अमेरिकन प्रेजीडेंट उहदे वाइट हाउस दे अगे खलो के आवाज नूं बुलंद किया जा रहा इस करके क्योंकि सिंह साहब जथेदार जगतार सिंह हवारा ने कुल दुनिया दे विच सिखां नूं मैसेज दिता कि जो 7 जनवरी नूं चंडीगढ़ YPS चौंक मोहाली चंडीगढ़ पंजाब विखे पक्के तौर ते मोर्चा शुरू होया उस मोर्चे की सपोर्ट की जाए। अज अमेरिका दे विच ये शुरुआत जिहड़ी आ वाइट हाउस तो अगे जिहड़ी हो चुकी आ असी समुचियां जथेबंदियां गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां अज इस जगह दे उत्ते प्रोटेस्ट कर रही आवाज नूं बुलंद कर रही कि साडे जिहड़े बंदी सिंह वो जल्द तो जल्द रिहा करने चाहिए भारतीय हुकूमत नूं। नहीं ये संघर्ष कुल दुनिया के हर उस कंट्री के गवर्नमेंट के अगे जाएगा जिथे कि भारतीय डेमोक्रेसी का झूठा मखौटा जिहड़ा नंगा किया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।